जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एचडी डिफेंस चैनल में। दोस्तों, हमारे भारत के मित्र देश जापान ने हमारे भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आग लगा दी है। दोस्तों, हो सकता है यह बात को सुनकर आपको थोड़ी सी निगेटिविटी सी लगे, लेकिन दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर ऐसी ही है, क्योंकि दोस्तों जापान हमारे भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इतिहास की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अब जाके जापान करने जा रहा है। और इस खबर को सुनकर दोस्तों दुनिया की बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियां सन्नसी हो गई हैं। आज की इस वीडियो में इसी पर डिटेल से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को आप पूरी देखिएगा। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपका हमारे साथ जुड़ना ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। दोस्तों, आज से मात्र 7 दिन पहले ही हमारे भारत और जापान ने एक बड़े MOU को साइन किया था, जिसके अंदर हमारे भारत के सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जापान के द्वारा एक काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और दोस्तों, इस बात की कंफर्मेशन स्वयं हमारे भारत के IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णोई जी ने की थी। और दोस्तों, हम बात करें जापान की, तो जापान की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसलिए हमारे भारत में हो रही है क्योंकि अभी हाल ही में हमारे भारत ने US बेस्ड मैक्रॉन कंपनी के साथ एक बड़ी डील को फाइनलाइज किया था, और साथ ही UK की 3 बड़ी कंपनियों के साथ करीबन 30,000 करोड़ की डील को भी साइन किया है। और साथ ही दोस्तों, ताइवान की बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन भी भारत के साथ मिलकर भारत के कई टेलीकॉम सेक्टर में कार्य कर रही है, और ऐसे में जापान कहां पीछे रहने वाला था। इसी वजह से जापान ने इतना बड़ा निवेश हमारे भारत में किया, और भारत की इसी बड़ी डील को देख कर ये सारी कंपनियां दंग हो गई हैं, क्योंकि दोस्तों इस डील के तहत न केवल जापान द्वारा भारत में बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाएगी, बल्कि साथ ही जापान भारत को कई बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को दी गई है। और इसके तहत दोस्तों सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग के साथ ही इसके अलावा टैलेंट एवं स्किल डेवलपमेंट पर भी जापान द्वारा भारत के अंदर काफी ज्यादा कार्य किया जाएगा, ताकि भारत के अंदर ही सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम तैयार हो सके, जिससे कि भारत की यह इंडस्ट्री को डायरेक्ट ही इंटरनेशनल एक्सपोर्ट किया जा सके, और साथ ही भारत भविष्य में एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर पूरी दुनिया में उभरे। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, जापान द्वारा हो रही हमारे भारत में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।